दिलचस्प कि हर बैठक में मैं बहुत एनरिच होके गया और आज की बैठक भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। खासतौर से जैसे हिना ने निजामत की है वो उसमें उसके चार चांद लगाए हैं। कंडक्ट करने का जो पर्पज है वो शायद यही होता है। दिस इज हाउ वी लर्न। और खासतौर पर उनकी एग्जाइल के बारे में जो बताया, जब फराज के बारे में पढ़ना था तो मैंने पढ़ना शुरू किया कि क्या पढ़ूं। मैंने तीसरी चौथी बारी में एक लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा कि मैं यही पढ़ूंगा। लेकिन कितना मुख्तलिफ लिखा है। ये एक कंपल्सिव राइटर की जो एक पहचान होती है ना, कि वो बिना लिखे रह नहीं सकता है। और हर बात पे लिखा। एग्जाइल में मुझे बेसाख्ता जैसी उनकी वो बात आ रही है, मुझे बटोल ब्रेथ याद आ रहे थे कि जब फांसीवाद का एक चरम पे था हिटलर, तो उसको हाउस पेंटर कहते थे वो ब्रेक, और वो उसके पीछे पड़ गया था। और वो लिखते हैं ब्रेक कि मैंने इतने देश बदले हैं जितने लोग जूते भी नहीं बदलते, लेकिन अल्टीमेटली ही कुडंट। तो इस तरह की जो बातें हैं, और एक और में किसका लहू है कौन मरा, उस तरह की। लेकिन ये मैं जो भी पढ़ने जा रहा हूं उसमें ग्रह की बात है और श्रृंगार की भी है। ग्रह श्रृंगार की बात आती है। और शुरुआत वो करते हैं कि चले थे यार बड़े जोम में हवा की तरह, पलट के देखा तो बैठे हैं नक्शे पा की तरह। अब एक इस बात को एक्सेप्ट कर लेना, जैसे बात हो रही थी कि एक ग्रह में एक आपके साथ सेल्फ पिटी की बात नहीं हो, आप पिटी नहीं करें शायर के साथ, बल्कि उसके साथ सिंपति रखें और अपने आप को ये समझ लेना। अब इसको मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने अपने लिए लिखी थी कि नहीं या किसी के लिए थी, लेकिन मैं प्रिज्यूम करता हूं। अगर शायर पोएट के पोइटिक लाइसेंस हैं तो रीडर्स के भी पोइटिक लाइसेंस हैं, मैं ये मानता हूं उन्होंने अपने लिए लिखी थी। तो तो एक इस चीज को उन्होंने किस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है, और शायद मुस्कुरा के ही लिखा होगा। एक और आगे वो लिखते हैं कि मुझे वफा की तलब है मगर हर एक से नहीं, मुझे वफा की तलब है मगर हर एक से नहीं, कोई मिले मगर उस यारे बेवफा। एक और जगह भी कुछ ऐसा ही वो लिखते हैं कि वो समझता है कि मैं हर चेहरे का तलबगार हूं फराज, मैं देखता सभी को हूं बस उसी की तलाश में। इसमें बहुत लिखते हैं कि मेरे वजूद का सहरा है मुंतजिर कब से, मेरे वजूद का सहरा है मुंतजिर कब से, कभी तो आ जर से गुंचा की सदा क्या है। वो अजनबी था तो क्यों मुझसे फेर कर आंखें, वो अजनबी था तो क्यों मुझसे फेर कर आंखें, गुजर गया किसी देरीना आशना किया है। कशा कशा लिए जाती है जाने पे मंजिल, नफस की डोर दी जंजीर बेसरा किया है। फराज किसके सितम का गिला करें किससे, फराज किसके सितम का गिला करें किससे, कि बेनियाज हुई खल्क भी खुदा किया है। शुक्रिया।